निर्वाचनी बॉन्ड को नहीं एसबीआई को बड़ झटका देछि सुप्रीम कोर्ट। 12 मार्च अर्थात आसंता काली सुधा निर्वाचन बॉन्ड को नहीं सविशेष तथ्य निर्वाचन कमिशन को निकट रे दाखल करबा को सुप्रीम कोर्ट निर्देश देछंती। सेही भली 15 तारीख सुधा डाटा उपलब्ध करबा को इसिंग को निर्देश देछंती सुप्रीम कोर्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दाखल करथिबा आवेदन उपरे सुनानी करछंती सुप्रीम कोर्ट को 5 जणिया बेंच। काली सुधा बॉन्ड तथ्य देबा पई स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट कड़ा निर्देश देछंती। आसंता काली संध्या 5टा सुधा तथ्य वेबसाइट रे अपलोड करबा को निर्देश दिया जायछि। स्टेट बैंक जून जाय समय मागीथिला एहा को प्रत्याख्यान कले सुप्रीम कोर्ट। आगरु डेडलाइन थिला मार्च 13। सूचना योग्य जे गत मासरे एही निर्वाचनी बॉन्ड को रद्द करथिले सुप्रीम कोर्ट। केउ दल को केते टंका निर्वाचनी बॉन्ड आकार रे मिलिछि एहार समस्त तथ्य प्रदान करबा को सुप्रीम कोर्ट निर्देश देथिले। गत फेब्रुआरी 15 रे निर्वाचनी बॉन्ड आकार रे राजनैतिक दल को मिलुथबा अर्थव्यवस्था को रद्द करथिले सुप्रीम कोर्ट। राजनैतिक दल को पांठि प्रदान को असंवैधानिक कहिबा सह दान देथिबा एवं दान ग्रहण करथिबा राजनैतिक दल ओ व्यक्ति विशेषक समस्त तथ्य मागीथिले। 12 एप्रिल 2019 परठरु आज पर्यंत किणा जायथिबा निर्वाचनी बॉन्ड विषय रे मार्च 6 तारीख सुधा तथ्य प्रदान करबा को कुहा जायथिला। समस्त तथ्य ऑफिशियल वेबसाइट रे मार्च 13 सुधा प्रकाश करबा को निर्देश देथिले सुप्रीम कोर्ट। तेबे गत मार्च 4 तारीख रे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होई आसंता जून 30 को तथ्य दाखल समय वृद्धि करबा को आवेदन करथिला। एही प्रक्रिया समय सापेक्ष होइतिबारु अधिक समय मागीथिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तेबे आगरु इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करथिले सुप्रीम कोर्ट। निर्वाचनी बॉन्ड को बेआईन बोली कहिबा सहित 26 दिन हला कोन करथिलो बोली एसबीआई को कड़ा प्रश्न पचाइछंती सुप्रीम कोर्ट। तथ्य दाखल करबा को स्टेट बैंक जून जाय समय मागीथिबा बेले एहा को रद्द कर देइछंती सुप्रीम कोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8 ओडिया।